वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्चिंग से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो, पहला लेक्चर, एंड द टॉपिक इज लीनियर सर्च। फ्रेंड्स, ये वही सर्चिंग है जो आपने कई बार एरे पे इंप्लीमेंट करी होगी, कई लैंग्वेजेस में आपने इसको देखा होगा। इस बार हम इसको जावा में कोड करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज डिस्कस करेंगे इसके कॉम्प्लेक्सिटी के तीनों केसेस, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज। आई होप आपने कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियोस देखे होंगे, नहीं तो उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट आप बेटर तरीके से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर सर्च का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर सर्च करना क्या है। लीनियर सर्च वही सर्चिंग है जो आपने कई बार एरे पे की होगी, जिसमें आपको एक एरे दिया जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी और आपको बताना है इस वैल्यू की पहली अक्रेंस एरे में कहां आ रही है। जहां भी आ रही है वो इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। इन केस एरे में वैल्यू आ ही नहीं रही है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो एरे में नहीं है, तो हमारे मेथड को रिटर्न करना चाहिए -1। तो आई थिंक ये कोड सभी ने एरे में ट्राई करा होगा कभी ना कभी। तो मैं सीधे जंप करता हूँ आईडी पे और वहां इसको करते हैं अपन इंप्लीमेंट, फिर देखते हैं इसकी कैसे कैलकुलेट होगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल मेथड हमारा पब्लिक स्टैटिक विद रिटर्न टाइप इंट होगा। नाम दे देते हैं मेथड का लीनियर सर्च। इसे लीनियर सर्च भी बोलते हैं, इसी को सीक्वेंशियल सर्च भी बोला जाता है। एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, लीनियर या सीक्वेंशियल। आर्ग्यूमेंट हमारे इस लीनियर सर्च मेथड के दो होंगे, एक एरे और एक वैल। वैल वो वैल्यू है जो हमें एरे में ढूंढनी है, जो हमें एरे में सर्च करनी है, ठीक है। एज यूजुअल एक लूप लगेगा। तो मैंने कहा फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एआरआर डॉट लेंथ, एरे को हमने फुल ट्रैवर्स करा, आई को हर बार करते गए इंक्रीमेंट। लेंथ एक मेथड है, सॉरी प्रॉपर्टी है, तो यहां पर आना चाहिए लेंथ, ठीक है। अब हमारा कोड चेक करेगा कि क्या एआरआरआई की वैल्यू, क्या एआरआरआई की वैल्यू डबल इक्वल टू वैल है। अगर एरे के करंट एलिमेंट की वैल्यू, करंट एलिमेंट मतलब एआरआरआई की वैल्यू वैल के बराबर है, तो हम यहीं पे अपने लूप को रोक दें और रिटर्न कर दें आई। और अगर ये लूप चलता जाए और एरे में एलिमेंट ना मिले, तो हम बाहर आकर सीधे सीधे रिटर्न कर दें -1। एज सिंपल एज दैट, राइट। इसके बाद हम आते हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं उसे विद द वैल्यूज 10, 20, 30, 40 एंड 50। देन उसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लीनियर सर्च ARR, मान लीजिए 30 ढूंढ रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR, सॉरी लीनियर सर्च ARR, और मान लीजिए हम ढूंढ रहे हैं 60, ठीक है। ये दो केसेस के लिए अपन ड्राई रन कर लेंगे। पहले मैं कोड का बेसिक फ्लो आपको समझा। तो जैसे ही हमारा लीनियर सर्च मेथड कॉल होगा, ये वाला जो एरे है ये ARR में रिसीव होगा। सो ARR विल बी पॉइंटिंग टू दिस एरे, जिस एरे के अंदर डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, 0, 1, 2, 3, 4 इसके प्रोबेबल इंडेक्सेस हैं। और फ्रेंड्स, वैल के अंदर पास होगा 30, सो वी आर सर्चिंग फॉर 30 इन दी एरे। हमारा फॉर लूप स्टार्ट करेगा आई को फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0। हर एरे के पास लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके बेसिस पर हम ये कंट्रोल करेंगे कि लूप हमारा कितना इटरेट होगा। तो चेक करा जाएगा क्या आई लेस देन एरे डॉट लेंथ है। गौर कीजिएगा, इस एरे की लेंथ इस समय 5 है, सो 0 इज लेस देन 5। अंदर आकर चेक करेंगे क्या ARR 0 वैल के बराबर है। Now friends, ARR 0 is 10, वैल is 30, condition goes false. Control if की body में ना जाते हुए I को increment कर देगा, जिस I में 0 था वो I अब बढ़कर हो जाएगा 1। क्या 1 भी array की length यानी 5 से छोटा है? Of course, code अंदर जाएगा, ARR 1 को वैल से कंपेयर करेगा। ARR 1 20 है, वैल 30 है, 20 double equal to 30, false. Code फिर I++ पे जाएगा, I को बढ़ाकर ले आएगा 2 पे। ध्यान दीजिएगा, कोड जैसे ही 2 पे आएगा, फॉर की कंडीशन तो ट्रू है, 2 इज लेस देन 5। अंदर आकर चेक होगा क्या ARR 2 वैल के बराबर है। नाउ व्हाट इज ARR 2? ARR 2 इज 30। व्हाट इज वैल? वैल इज आल्सो 30, 30 डबल इक्वल टू 30, कंडीशन गोज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फ्रेंड्स, रिटर्न हो जाएगी आई की वैल्यू। व्हाट इज आई राइट नाउ? आई राइट नाउ इज 2, तो वैल्यू रिटर्न होगी 2, और ये 2 रिटर्न होकर मेन में आकर हो जाएगा डिस्प्ले, यानी हमें हमारा एलिमेंट ऑलमोस्ट T3 सर्च पे मिल गया, ठीक है। अब सपोज करिए हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो एरे का पार्ट ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल वी आर सर्चिंग फॉर 60, तो हमारा कोड ARRI आई 2 पे को कंपेयर करेगा वैल यानी 60 से, मिसमैच। आई प्लस प्लस पे गए, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 3। क्या 3 भी लेस देन 5 है? हाँ जी है। ARRI मैच होगा वैल से, ARRI यानी 40, वैल यानी 60,
40 डबल इक्वल टू 60, कंडीशन अभी भी हो गई फॉल्स। आई प्लस प्लस आई को पहुंचाएगा 4 पे, 4 इज लेस देन 5, अंदर गए। ए आर आर 4 डबल इक्वल टू वेल, ए आर आर 4 इज 15, 50 डबल इक्वल टू 60 फॉल्स। आई प्लस प्लस आई को बढ़ाकर पहुंचा देगा 5 पे, 5 लेस देन 5 कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, कोड बाहर आकर रिटर्न कर देगा -1, राइट। तो जैसे ही इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करेंगे हमें दोनों आंसर्स मिलने चाहिए, पहले में मिलना चाहिए 2, दूसरे में मिलना चाहिए -1। सिंपल, राइट। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी और कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी का करेंगे एनालिसिस। तो जैसा मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी वाले वीडियो में बताया था, कॉम्प्लेक्सिटी के हमारे पास होते हैं 3 केसेस, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है वर्स्ट केस और एक होता है एवरेज केस। अपन तीनों ही केसेस एनालाइज करते हैं। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, दिस इज आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। फाइन, तो लीनियर सर्च में आप खुद सोचिए बेस्ट केस कब होगा। सिंपल है, बेस्ट केस तब होगा जब आप जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो आपको पहले ही इंडेक्स यानी जीरो थी इंडेक्स पे मिल जाए। उस केस में एरे कितना भी बड़ा हो आपका लूप सिर्फ एक कंपैरिजन करके रुक जाएगा, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑफ द ऑर्डर 1। सो व्हाट विल बी द बेस्ट केस फ्रेंड्स, बेस्ट केस विल बी व्हेन इट विल बी व्हेन द एलिमेंट वी आर सर्चिंग, द एलिमेंट वी आर सर्चिंग इज फाउंड एट, इज फाउंड एट जीरोथ इंडेक्स। सही है, जीरोथ इंडेक्स मतलब एरे का पहला इंडेक्स। इन दिस केस एरे कितनी भी साइज का हो, इन दिस केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन, कॉम्प्लेक्सिटी याद रखिएगा कंपेरिजन देखकर ही हम निकालते हैं, नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी ओनली 1 इररेस्पेक्टिव ऑफ एरे साइज। हमारे एरे की साइज कुछ भी हो नंबर ऑफ कंपेरिजन एक होंगे, तो ये कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च एन एलिमेंट्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1, सी एन इज इक्वल टू ओवर, राइट। ओ इसलिए क्योंकि हम नॉर्मली बिगो नोटेशन में बात करते हैं, बाकी फ्रेंड्स ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है तो आपको याद होगा ये ओमेगा का केस है, ओमेगा रिप्रेजेंट्स द बेस्ट केस, बट आप बोल सकते हैं इसको कि सी एन विल बी ऑफ द ऑर्डर 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वर्स्ट केस क्या होगा। आई होप आप सोच पा रहे होंगे, इसका वर्स्ट केस दो स्थिति में होगा, या तो जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं वो बिल्कुल लास्ट में हो एरे के आखिरी सेल पे हो, या जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं वो एरे में हो ही ना। इन ईदर वेज जो नंबर ऑफ कंपेरिजन है वो रफली एन के बराबर पहुंचेंगे, मुझे टोटल एन कंपेरिजन करने पड़ेंगे, अगर नंबर लास्ट में हुआ तब भी और अगर नंबर एरे में बिल्कुल नहीं हुआ तब भी, करेक्ट, जैसे हमारे 60 के साथ हुआ था। सो दिस विल बी व्हेन द एलिमेंट वी आर सर्चिंग, द एलिमेंट वी आर सर्चिंग इज ईदर एट द लास्ट इंडेक्स, राइट। हमारे केस में लास्ट इंडेक्स क्या था, इंडेक्स 4, एरे की साइज 5 थी, तो और इट इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द एरे, और इट इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द एरे, या तो वो लास्ट इंडेक्स पे हो या वो हमारे एरे का पार्ट ही ना हो, एरे में प्रेजेंट ही ना हो, ऐसी स्थिति में दिस विल बी द वर्स्ट केस, नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन दिस एरे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, इन दिस केस नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी एन, इन दिस केस नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी एन, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन एन होंगे, या एन को मैं क्या मान रहा हूं, यहां एन को मैं मान रहा हूं एरे की साइज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च एन एलिमेंट अमंगस्ट एन एलिमेंट्स विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन। ये इसका वर्स्ट केस हो गया, ये एलिमेंट मिला ही नहीं तब भी हमको लूप पूरा चलाना पड़ा, आखिरी सेल पे मिला तब भी लूप हमको पूरा चलाना। अब आता है इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, और वो आता है एवरेज केस। फ्रेंड्स एवरेज केस इसका क्या होगा, एवरेज केस ये होगा कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो हमें एरे में किसी भी पोजीशन पे मिल सकता है, सही है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी और nth पोजीशन पे भी मिल सकता है, मतलब थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हेन
it will be when the element we are searching, जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं, कैन बी एट एनी पोजिशन इन दी एरे. इट कैन बी एट एनी पोजिशन इन दी एरे. कहां से कहां तक फ्रेंड्स? फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन. पिक्यूलियर अगर जावा की वोकैबुलरी में बोलूं तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो द एलिमेंट फाउंड, द एलिमेंट प्रेजेंट कैन बी एट जीरो टू एन माइनस वन. तो इसका ये मतलब हुआ, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी of n of val, I should say not n, the probability of val occurring at any index, किसी भी index पे val हमें मिले कितनी होगी, कितनी होगी? अगर आपके पास एक coin है तो कितने chances हैं कि head आएगा, कितने chances हैं कि tail आएगा? Probability बोलती है 1/2, right? बिल्कुल ऐसा यहाँ पर होगा. In this case, probability of val occurring at any index will be 1/n. Can I say that? We have n elements और हर सेल पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/n. तो थोड़ा इसको अगर हम मैथ्स के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो हम बोल सकते हैं सी एन विल बी 1 × 1/n. ये पहले पोजिशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 × 1/n. ये दूसरे पोजिशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 × 1/n. ये तीसरे पे मिलने की प्रोबेबिलिटी. और फ्रेंड्स अगर इसको आप बढ़ाते चलें तो ये जाएगा फाइनली n × 1/n. ठीक है, थोड़ा सा और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/n कॉमन आ जाएगा. यस, 1/n हमारा कॉमन आ जाएगा. 1/n कॉमन लेने के बाद जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा बच जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n. करेक्ट. अब वो जो अंदर है 1 + 2 + 3 टिल n, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सी एन इज इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा n × n + 1/2. कर सकते हैं ना अपन, वन से लेकर n तक के नंबरों को रिप्रेजेंट n × n + 1/2. अब ये दो n कैंसिल, 1/n और वो n. तो फाइनली क्या बचा फ्रेंड्स? तो फाइनली बचा n + 1/2. एंड आई होप आपको याद होगा कॉम्प्लेक्सिटी में हम कॉन्स्टेंट्स वगैरह इग्नोर कर देते हैं, तो अल्टीमेट कॉम्प्लेक्सिटी जो बची वो बची ऑफ द ऑर्डर n. इसका मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीनियर सर्च इज ऑल्सो ओएन एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ओएन. यानी एवरेज केस भी अगर हुआ तो हमें रफली n कंपेरिजन तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि हम नहीं जानते एलिमेंट हमें कहाँ मिल सकता है. वो इनिशियल पोजिशन पे भी मिल सकता है, मिड पे भी मिल सकता है, लास्ट पे भी मिल सकता है. So, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज की आ गई ON, तो बेस्ट हो गई O1, बाकी दोनों की हो गई ON. So, ये था लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल था. इसी के बेस पर फिर आगे के हम और सर्चिंग सॉर्टिंग के एनालिसिस करने वाले हैं. मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये सिंपलेस्ट वीडियो है. आगे और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वीडियोस आएंगे जिसमें हम थोड़े और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट.